मंदसौर में कुशाभाऊ ठाकरे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें हजारों युवा विद्यार्थियों ने भाग लिया। रोजगार के अवसर लेकर 19 कंपनियां मंदसौर पहुंची। सांसद सुधीर गुप्ता भी रोजगार मेले में पहुंचे, कंपनियों से रूबरू हुए। सांसद सुधीर गुप्ता ने मीडिया को बताया कि बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ दौर है। भारत की जो ताकत है वह युवाओं के बीच में है। उनको दिशा मिले, उनको समझे लोग और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये बताने की कोशिश करें, और इन युवाओं के अंदर क्या है यह देश दुनिया को बताएं। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने को पूरी विश्व के सामने एक लीडर के रूप में प्रस्तुत कर दिया, हम नीचे से 5 की गिनती में आने वाले देश के बजाय हम ऊपर से 5 की गिनती में हैं, और हमारी प्रतिस्पर्धा अब चौथे नंबर पर आने वाली कि जर्मनी को क्रॉस करके हम कैसे आगे आ जाएं। और इसलिए प्रतिस्पर्धा बाजार में हमने रशिया, इंग्लैंड जैसे कई देशों को पीछे कर दिया है, और हमारी जो दौलत है वह हमारे युवा हैं, और युवाओं के मन में उत्साह ऐसे मेलों के माध्यम से बना रहता है। यह अपनी भावनाओं को समझते हैं, क्या कर पाएंगे ये इनके मन के अंदर मौजूद रहता है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहने से बार बार युवाओं के मन में राह चुनने के अवसर स्वयं डिसाइड करने का मौका मिलता है। और मैं पीजी कॉलेज मंदसौर में पढ़ती हूँ, और यहाँ पर जो है वो रोजगार मेले का जो आयोजन है वो हो रहा है। यहाँ पर 19 कंपनीज वगैरह आई हुई हैं जो यहाँ पर अलग अलग जो भी रोजगार वगैरह है या किसी को भी जॉब्स वगैरह की नीड हो तो वो यहाँ पर ली जा रही है। अगर यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वगैरह होती है तो यहाँ पर अलग अलग टीचर्स वगैरह है जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। राहुल, ये जिला प्रशासन मंदसौर का जो मासिक रोजगार अवसर मेला लगता है ये उसी उपक्रम में एक आयोजन है। यहाँ पर हमारे महाविद्यालय का भी एक काउंटर है और अन्य कम से कम 19 कंपनियों के काउंटर हैं। यहाँ पर कैरियर काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है और कई बच्चे यहाँ पर अपना बायोडाटा भी विभिन्न कंपनियों को सबमिट कर रहे हैं, जिससे उन्हें रोजगार संबंधी संभावनाएँ उनकी बढ़ती हैं। दूसरी बात यह है कि महाविद्यालय के लगभग 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों का मूवमेंट यहाँ पर हमने प्लान किया है, और आप यहाँ की भीड़ से अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बच्चे इस आयोजन में पूरी रुचि ले रहे हैं और इस अवसर का पूरा लाभ उठा रहे हैं। मैं डॉक्टर वीना सिंह, राजीव गांधी शासकीय महाविद्यालय मंदसौर में सहायक प्राध्यापक अंग्रेजी के पद पर पदस्थ हूँ, और मैं स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की जिला अधिकारी हूँ। देखिए, बदलता हुआ भारत है, बदलता हुआ दौर है, और चूंकि भारत की जो ताकत है वो युवाओं के बीच में है, और उनको दिशा मिले, उनको समझें लोग, और उनके लिए क्या बेहतर हो सकता है ये बताने की कोशिश करें, और उनके अंदर क्या है वह देश दुनिया को बताएं। क्योंकि जिस तरीके से भारत ने अपने को पूरी पृथ्वी के सामने एक लीडर के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, हम नीचे से 5 की गिनती में आने वाले देश के बजाय हम ऊपर से 5 की गिनती में हैं, और हमारी प्रतिस्पर्धा अब चौथे नंबर पर आने की कि जर्मनी को क्रॉस करके हम कैसे आगे आ जाएं, और इसीलिए प्रतिस्पर्धी बाजार में हमने रशिया, इंग्लैंड जैसे कई देशों को पीछे कर दिया है, और उसकी हमारी जो दौलत है वो हमारे युवा हैं, और इसीलिए युवाओं के मन में उत्साह इन मेलों के माध्यम से बना रहता है। ये अपनी संभावनाओं को समझते हैं, क्या कर पाएंगे ये इसके कारण इनके मन के अंदर प्रेजेंट होता है, और मैं समझता हूँ कि ऐसे आयोजन होते रहने से बार बार युवाओं के मन में अपनी राह चुनने के अवसर स्वयं डिजाइन करने का मौका मिलता है। मंदसौर से पीडी बैरागी की रिपोर्ट।